हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट शेयर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक फ्यूचर्स को ट्रेड करने की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो ये एक मल्टी लेग स्ट्रेटजी होने वाली है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्यूचर को बाय करते हैं और उसको हैज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं या एक कॉल ऑप्शन सेल कर लेते हैं। और अगर फ्यूचर को सेल करते हैं तो उसमें हम उल्टा करते हैं। तो नॉर्मली हम इस तरह से ट्रेड करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्रेक इवन्स को दूर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस स्ट्रेटजी में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लेकिन अगर आप वीकली ऑप्शंस को यूज करते हो तो आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी कम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। नॉर्मली जो हम ट्रेड करते हैं उससे अलग ये स्ट्रेटजी है। तो ये आपको किस तरह से ट्रेड करनी है, इसका सेटअप किस तरह का है, वो मैं आपको समझाता हूं। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर ले आया हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक फ्यूचर को बाय करके और उसके साथ में हमको किस तरह से इसको ट्रेड करना है, इसका सेटअप किस तरह का है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, अभी तो दिसंबर की सीरीज चल रही है जो कि ऑलमोस्ट जा चुका है। आज 13th ऑफ दिसंबर हो चुका है, तो इस मंथ को ना लेके हम अगली सीरीज को लेते हैं और वहां पे मैं आपको ये ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए, मैं अगली सीरीज को लगा लेता हूं। अगली है जनवरी की सीरीज। तो जैन की जो सीरीज है वहां पे एक्सपायरी कब है, 25th ऑफ जनवरी को एक्सपायरी है। तो मैंने 25th जैन के ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक फ्यूचर को बाई करूंगा। तो देखिए, फ्यूचर कहां पे ट्रेड कर रहा है, 18800 पे, 18817 है ये फ्यूचर्स का लेवल है जनवरी का। देखिए, नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर है वो कितने हैवी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अभी जो स्पॉट मार्केट है वो है 18600 के आसपास और फ्यूचर्स कहां पे ट्रेड कर रहा है जनवरी का, 18800 पे। तो एक हैवी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक फ्यूचर्स को बाई कर लेता हूं। तो मैंने एक फ्यूचर्स को बाई कर लिया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट जहां पे है यहां से ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। और जैसा कि आप जानते हो, फ्यूचर में आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो 100% ऑफ द मोमेंट होता है। तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट है, जितना नीचे जाएगा उतना आपका लॉस है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्यूचर को बाई करके ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, या तो यहाँ पे एक पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे ताकि नीचे जो मेरा लॉस है ये डिफाइंड हो जाए, या हम एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। इस तरह से हम हैज करते हैं एक फ्यूचर्स को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, 18800 जहाँ का मेरा बाइंग प्राइस है, अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शन चेन में मैं जाऊँगा और यहाँ से आउट द मनी आपको जाना है। तो देखिए, 18800 है ये मेरा बाइंग प्राइस है। तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, दो कॉल ऑप्शन सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से नीचे गया तो मुझे लॉस होगा। तो नीचे की तरफ जो पुट ऑप्शन है, जो हैज मैं बाई करना चाहता हूँ, वो मैं नीचे जाके बाई करना चाहता हूँ ताकि मुझे कम प्रीमियम देना पड़े। देखिए, 18800 पे अगर मैं पुट ऑप्शन को बाई करता हूँ तो मुझे 292 रुपीज पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एट द मनी का लेवल है और यहाँ पे प्रीमियम है ये ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाई करता हूँ तो वहाँ पे मुझे कम प्रीमियम देना पड़ेगा। देखिए, आप नीचे नीचे जैसे हम जाएंगे जो प्रीमियम है वो कम होता जाएगा। अगर मैं 18500 का देखूँ तो 186 है, उससे फर्दर आउट द मनी जाऊँगा तो और कम होता जाएगा। तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि अगर हम आउट द मनी में जाते हैं तो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो कम होते जाते हैं। तो क्योंकि मैं आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाई करना चाहता हूँ इस फ्यूचर को हैज करने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले कॉल ऑप्शन में आउट द मनी में जाऊंगा और दो कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। उससे क्या इफेक्ट आएगा वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, 18800 से मैं आउट द मनी में जाता हूं और यहां पे आप देखिए 19200 है, इसका प्रीमियम कितना है, 130। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसके दो लोट में सेल कर दूंगा। तो इसके दो लोट अगर मैं सेल करता हूं तो मैंने कितना प्रीमियम कलेक्ट कर लिया, 260 रुपीज का। देखिए, 130 इसका प्रीमियम है और मैंने इसके दो लोट सेल किए हैं, दैट मीन्स मैंने कितना रिसीव किया क्रेडिट, 260। तो 260 जो मैंने क्रेडिट रिसीव किया है ये एज ए कुशन वर्क करेगा। जो मैंने फ्यूचर बाय किया है 18800 पे, इसके लिए एज ए कुशन वर्क करेगा कि अगर मार्केट अब यहाँ से 260 पॉइंट नीचे भी गिरता है तो मुझे फ्यूचर में जितना लॉस होगा वो मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ क्रेडिट कॉल ऑप्शन को सेल करके। तो जब तक मार्केट 260 पॉइंट तक नीचे गिरेगा तब तक मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया है और उसके अगेंस्ट मैंने 19200 के कॉल ऑप्शन के दो लोट सेल कर लिए हैं। देखिए, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, जो आइडिया मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको आप समझिए। तो मैंने फ्यूचर को बाय करके और आउट द मनी के दो कॉल ऑप्शन सेल कर दिए हैं और इससे हुआ क्या, मार्केट अब अगर नीचे जाएगा तो फ्यूचर में मुझे जो लॉस होगा उसको एक हद तक जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किए हैं दो वो कवर करेंगे। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसमें रेशियो स्प्रेड का इफेक्ट आएगा, क्योंकि 18800 से मार्केट जब तक 19200 तक आएगा तब तक मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा।
उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो जितना ही डिफरेंस है उतना ही और ऊपर जब मार्केट जाएगा उसके बाद मुझे लॉस आना शुरू होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा लॉस आप देखिए कहां पे आना शुरू होगा, 19800 के बियॉन्ड अगर मार्केट जाता है तब मुझे लॉस आएगा। और मैंने कितने का कॉल ऑप्शन सेल किया है, 19200 का। तो देखिए जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से आपको लॉस आना शुरू होगा, उसके कितना ऊपर जाने के बाद आपको लॉस आ रहा है वो आप देखिए। जब मार्केट 19800 के बियॉन्ड जाएगा तब आपको लॉस आना शुरू होगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, एक फ्यूचर को बाय कर लिया है और उसके अगेंस्ट मैंने दो कॉल ऑप्शन सेल कर दिए हैं। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, जो 260 रुपीज मैंने यहाँ पे क्रेडिट रिसीव किया है, उतना हम नीचे जाएंगे और वहां पे एक पुट ऑप्शन को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो 260 का जो क्रेडिट हमने रिसीव किया है इसको हम 300 मान के चलते हैं सिंपलिसिटी के लिए। तो देखिए 18800 जो मेरा बाइंग प्राइस है, इससे अगर मैं 300 पॉइंट नीचे जाता हूं तो आ जाता है 18500। मतलब जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है वो एज ए कुशन काम करेगा, और उससे नीचे जब मैं आता हूं 18500 पे जब मैं आ जाता हूं तो यहां पे अब मैं एक पुट ऑप्शन को बाई कर लूंगा। लेकिन आपको यहां पे ये ऑप्शन भी बाई नहीं करना है, आपको और आउट द मनी में जाके बाई करना है। अब आपका सवाल होगा कि अगर मैं और आउट द मनी में जाके बाई करूंगा पुट ऑप्शन तो जो डिफरेंस है 18500 के बियॉन्ड जितना भी मैं नीचे जाता हूं उतना मैंने लॉस बुक कर लिया है अगर मार्केट नीचे आएगा तो। लेकिन ऐसा नहीं है, 18500 से मान लीजिए मैं 18400 पे आता हूं तो यहां पे जो प्रीमियम है वो 160 रुपीज का है। तो मैं क्या करूंगा, 18400 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा। और होगा क्या, एक लोट देखिए आपको यहां पे बाई करना है, एक लोट मैंने बाई कर लिया 18400 का। और देखिए 18500 से जो मैं नीचे गया हूं ये मैं कहां से कंपनसेट करूंगा, अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो मैंने जो 19200 के कॉल ऑप्शन सेल किए हैं इनको फर्दर नीचे की तरफ मैं शिफ्ट करता जाऊंगा, और जो गैप यहां पे मैंने रखा है उसको यहां पे मैं कवर कर लूंगा प्रीमियम को रिसीव कर करके। तो देखिए अब मैंने क्या किया है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, फ्यूचर को मैंने बाई कर लिया था, उसके अगेंस्ट मैंने आउट द मनी के 19200 के दो कॉल ऑप्शन सेल कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, मैं नीचे गया पुट साइड में और आउट द मनी का एक 18400 का पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया, और उसके लिए मैंने 160 रुपीज मार्केट को पे कर दिए हैं। अब ये जो 160 रुपीज मार्केट को मैंने पे किए हैं ये भी मुझे मार्केट से वापस लेने हैं। कैसे, यहाँ पे अब रेशियो स्प्रेड हम डिप्लॉय करेंगे। ये जो पुट ऑप्शन है इसको हम नेकेड पुट बाई नहीं करेंगे, इसको हम एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर देंगे, एक पुट रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए 18400 है, इसका मैंने पुट ऑप्शन बाई किया है 160 रुपीज में, तो मैं क्या करूंगा, मैं आउट द मनी में जाऊंगा और ये 160 रुपीज मैं रिसीव करूंगा मल्टीपल ऑप्शंस को सेल करके। तो यहाँ पे आप देखिए 18000 है, इसके पुट ऑप्शन का प्रीमियम कितना है 80 रुपीज, और इसके अगर मैं दो लोट सेल कर देता हूं तो यहाँ पे जो 160 रुपीज मैंने पे किए हैं ये मैं मार्केट से वापस ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 18000 के पुट ऑप्शन के दो लोट सेल कर दूंगा। तो मैंने जो पुट ऑप्शन था उसको कन्वर्ट कर दिया एक पुट रेशियो स्प्रेड में, और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो फ्यूचर में मुझे लॉस कहां से आना शुरू हो जाता, जहां पे मार्केट खड़ा था वहां से अगर एक पॉइंट भी नीचे आता तो मुझे लॉस आना शुरू हो जाता, और मेरा लॉस था वो अनलिमिटेड था। फ्यूचर में जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहां पे आपका अनलिमिटेड लॉस कहां से आना शुरू होगा, जब मार्केट 18000 पे चला जाएगा। 18000 के पुट ऑप्शन के दो लोट आपने सेल कर रखे हैं, इसके बियॉन्ड अगर मार्केट जाता है तब आपको अनलिमिटेड लॉस आना शुरू होगा, उससे पहले आपका लॉस है वो कैप्ड है। और 18000 तक आपका लॉस कितना है, 7700 रुपीज का। तो अगर आप प्लेन फ्यूचर को बाय करते हो तो वहां पे मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे गया तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। लेकिन आपको प्लेन फ्यूचर को बाई नहीं करना है, इस तरह से स्ट्रेटजी बना के आपको फ्यूचर को बाई करना है। यहाँ पे आप देखिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो डिसेंट होने वाला है। फ्यूचर में प्रॉफिट अच्छा ही होता है अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो हमने उसी इक्वेशन को ऑन रखा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस पॉइंट तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पे वो 32000 रुपीज का है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा जो लॉस है वो उस इंटेंसिटी से नहीं होगा, जब तक मार्केट 18000 तक जाता है वहां तक मेरा मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 7700 रुपीज का है, उसके बाद मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो मैंने खुद को ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का क्वेश्चन दिया है, हालांकि फ्यूचर है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, जो मेरा बाइंग प्राइस है वो 16800 है, नॉर्मली इतना नहीं होता है लेकिन यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और दूसरा क्या है, अभी मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो काफी कम है, विक्स है वो कम है। ये ट्रेड आपको कब एग्जीक्यूट करना है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी इन्फ्लेटेड हो,
जब मार्केट में वॉलिटिलिटी इन्फ्लेटेड होगी तो होगा क्या, आपको डिसेंट प्रीमियम, आपको इन्फ्लेटेड प्रीमियम मिलेंगे। और यहाँ पे आपको इस रीजन में जो लॉस दिखाई दे रहा है ये यहाँ से शुरू ना होके और 18,000 से शुरू होगा। तो मेक श्योर जब मार्केट में वॉलिटिलिटी इन्फ्लेटेड हो, जब विक्स ऊपर हो, तब आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक फ्यूचर को बाई कर लिया है, 18,800 पे मैंने फ्यूचर को बाई किया। उसके बाद क्या किया मैंने, देखिए फ्यूचर मैंने बाय किया, इसका मतलब क्या था, अगर मार्केट नीचे जाता तो इमीडिएटली मुझे लॉस आना शुरू हो जाता। तो मैं क्या कर सकता था, मैं एक पुट ऑप्शन को बाय कर सकता था, 18,800 जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा था वहीं का मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर देता, ताकि मार्केट अगर नीचे जाए तो फ्यूचर में मेरा जो लॉस था उसको पुट ऑप्शन जो मैंने बाय किया है वो कंपनसेट कर दे। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या होती, 18,800 का अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता तो वो महंगा होता। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया और उसके अगेंस्ट मैंने आउट द मनी के दो कॉल ऑप्शन सेल कर दिए 19,200 के। तो 19,200 के दो कॉल ऑप्शन मैंने कितने में सेल किए, 260 रुपीज़ में, 130 ईच जो मैंने सेल किया है, तो मैंने कितना क्रेडिट रिसीव किया, 260 रुपीज़ का। तो इससे हुआ क्या, अब मेरा जो ब्रेक इवन है जो पहले 18,800 पे ही था फ्यूचर का, वो अब 260 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स 18,800 से आप 300 पॉइंट भी मान के चलते हो तो मेरा ब्रेक इवन है वो 18,500 पे शिफ्ट हो गया है। तो 18,500 का अब मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। तो यहाँ पे देखिए 18,800 पे जहां मैं पुट ऑप्शन बाय करता अगर मैं प्लेन फ्यूचर को खरीदता, वो ब्रेक इवन अब नीचे चला गया है, इस वजह से मैं 18,500 का पुट ऑप्शन बाय करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 18,500 का पुट ऑप्शन भी बाय मत कीजिए, जहां पे आपका ब्रेक इवन निकल के आता है उससे भी आप 100 या 200 पॉइंट नीचे जाके और वहां का पुट ऑप्शन बाय कीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है वो वहां पे कम होगा, आपको कम पैसा देना पड़ेगा, और जो एडिशनल पॉइंट आप नीचे गए हो उस रिस्क को आप कैसे कंपनसेट करोगे, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो जो कॉल ऑप्शन मैंने ऊपर की तरफ सेल कर रखे हैं उनको मैं नीचे शिफ्ट करता जाऊंगा और एडिशनल क्रेडिट मैं वहां से रिसीव करता जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, फ्यूचर को बाय किया, देन उसके बाद दो कॉल ऑप्शन सेल कर दिए और 18,400 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब 18,400 के पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए मैंने 160 रुपीज मार्केट को पे किए थे, लेकिन ये 160 रुपीज भी मुझे मार्केट से वापस लेने हैं। और वो वापस मैंने कैसे लिए, 18,000 के पुट ऑप्शन के दो लोट सेल करके। तो इससे हुआ क्या, जो 160 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए थे वो मैंने मार्केट से वापस ले लिए। और इस स्ट्रेटजी का इफेक्ट क्या हुआ कि अब मैंने फ्यूचर बाय कर रखा है, अगर मार्केट ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा लॉस कहां से आना शुरू होगा, 18,000 जहां के दो पुट ऑप्शन मैंने सेल किए हैं उसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तब मुझे लॉस आना शुरू होगा। यहां पे आपको ये छोटा सा लॉस दिखाई दे रहा है 7,700 रुपीज का, लेकिन इसको आप इस तरह से समझिए, मैंने ऊपर की तरफ इतनी रेंज ले रखी है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो 19,200 के कॉल ऑप्शन को जब मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये जो लॉस है ये यहां पे हट जाएगा। तो टेक्निकली यहां पे क्या है कि लॉस मेरा कब आना शुरू होगा, जब 18,000 का पुट ऑप्शन जिसके मैंने दो लॉट सेल किए हैं उसको तोड़ के मार्केट नीचे जाना शुरू करेगा तब मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो ये है फ्यूचर्स को ट्रेड करने की वो स्ट्रेटजी। आई नो आपको शुरू में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखिए और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे मैंने किया क्या है। मैंने पहले एक फ्यूचर को बाय किया है, देन आउट द मनी के कॉल ऑप्शन सेल करके और जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है उतने से मैंने फ्यूचर के ब्रेक इवन को नीचे शिफ्ट कर दिया है। और जहां पे मैंने ब्रेक इवन को शिफ्ट किया है अब मैं वहां पे पुट ऑप्शन को बाई कर रहा हूं और उसको भी मैं रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। इससे हुआ क्या, पहले जहां मैंने फ्यूचर बाई किया था वहीं से अगर मार्केट नीचे जाता तो मुझे लॉस आना शुरू हो जाता, लेकिन अब क्या होगा, अब मैंने खुद को एक कुशन दिया है, अब अगर मार्केट नीचे भी जाता है, मेरे अगेंस्ट भी जाता है, तो भी लॉस मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आना शुरू होगा। अगर मार्केट वहां तक मेरे अगेंस्ट भी आता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर आप फ्यूचर्स को ट्रेड करते हो तो फ्यूचर्स के साथ एट द मनी के ऑप्शन को बाय करना या सेल करने के अलावा अगर आप कोई रास्ता देख रहे हो तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि अगली वर्कशॉप कब कंडक्ट होगी, तो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि अगली वर्कशॉप कब होगी और कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।